See the man who won't stay for your meal, getting all the piece of pie for your wife. Everybody wanna know how it feels. जी तो अनम, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। मुझे क्लिफ्टन के आसपास दो बेड का अपार्टमेंट या पोर्शन किराए पर चाहिए। मैं रावलपिंडी से आई हूँ और अकेले रहूंगी, क्या आप इस हवाले से मेरी मदद कर सकती हैं? आपको तो पता होगा कि अकेली औरत के लिए सब कितना मुश्किल हो सकता है। अनम, मैं बिल्कुल आपकी मदद कर सकती हूँ और इंशाल्लाह आपको आपकी पसंद का घर मिलेगा। सर के ऊपर एक छत होना हर इंसान का बुनियादी हक है। बदनसीबी से अकेली लड़कियों या औरतों को मकान किराए पर लेते वक्त इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ता है, जबकि पाकिस्तान के आईन का आर्टिकल 25 ये कहता है कि जिंस की बुनियाद पर कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकता, यानी किसी औरत से उसके औरत होने की वजह से मुख्तलिफ बर्ताव गैर कानूनी है। मगर लगता है कि पिदर शाही के राज और ये फरसूदा रिवायात तोड़ने में अभी और वक्त लगेगा। खैर, हम अपना काम जिम्मेदारी से करेंगे और आपको किराएदारों के हुकूक से भी आगाह करेंगे। बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे बहैसियत किराएदार कौन से दस्तावेजात जमा कराने होंगे? सबसे जरूरी है नंबर 1, आपका शनाख्ती कार्ड और इस पे दर्ज पते के यूटिलिटी बिल्स, जैसे बिजली, पानी और गैस के बिल्स, जिससे बैकग्राउंड चेक में यानी पसे मंजर की जांच में आसानी होगी। नंबर 2, अक्सर औकात पुलिस से भी जमानत लेनी पड़ती है ताकि पता लग सके कि किराएदार का कोई मुजरिमाना रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं है। नंबर 3, आपके जरिए आमदन का सबूत, मिसाल के तौर पे आपका मुलाजमत का सबूत वगैरह। यूटिलिटी बिल्स तो मुझे घर से मंगवाने पड़ेंगे। जी वो मंगवा लीजिए, या ऑनलाइन बिल्स और स्कैन कॉपीज भी इस्तेमाल हो सकती हैं, जो हम आपकी फाइल में जमा करवा लेंगे। उसके अलावा कुछ गारंटर्स भी चाहिए होंगे, यानी आपकी जमानत देने वाले अफराद। कम से कम 2 अफराद की जमानत चाहिए होगी। क्या मैं अपने ऑफिस से किसी शख्स को अपना जामिन या गारंटर बना सकती हूँ? जी बिल्कुल, कोई भी ऐसा शख्स जो कराची शहर का रिहायशी हो आपकी जमानत दे सकता है। इसलिए उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपी और एक लीगल स्टैम्प पेपर पे उनका जमानती दस्तखत दरकार होंगे। ये कानून लाजमी नहीं है, मगर आपके लिए ये फायदेमंद साबित होगा। आप दस्तावेजात एक जगह जमा कर लें, जब तक मैं आपके लिए अपार्टमेंट्स के कुछ ऑप्शंस निकाल लेती हूँ। मालिक के मकान मेरे औरत होने की वजह से मुझसे एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिपॉजिट तो नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं। सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 की शिक नंबर 7 के मुताबिक दोनों पार्टीज की बाहिमी रजामंदी से इस रकम का तायुन किया जाएगा, और इस रकम का मुनासिब किराए के जुमरे में होना जरूरी है। जायज किराया आपका रेंट कंट्रोलर ही डिसाइड करेगा। ये एक ऐसा शख्स होता है जो मालिक के मकान और किराएदार के बीच मुआहिदे का गवाह भी होता है और इस बात को यकीनी भी बनाता है कि किसी के साथ कोई ना इंसाफी ना हो। दूसरा, जैसे मैंने पहले बताया, आर्टिकल 25 के तहत आपके साथ औरत होने की बिना पर इम्तियाजी सलूक नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर एक औरत होने की बिना पर मुझ पर पाबंदियां लगाई गईं तो ये बिल्कुल गैर कानूनी होगा। आपको आज़ादी होगी, आप किस वक्त आ या जा रही हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपका किराए का घर मुआहिदे में दी गई मुद्दत के लिए आपका घर माना जाएगा, और ना ही कोई इस बात की रोकथाम कर सकता है कि कौन आपके घर आ जा रहा है। हमेशा मुआहिदे को गौर से पढ़ें, कहीं उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं दर्ज। एक जरूरी बात और, हमेशा किराया देने पर मालिक के मकान से रसीद तलब कीजिए, क्योंकि आपके पास हमेशा सबूत होना चाहिए कि किराया बरवक्त जमा किया गया है। ये सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 की शिक नंबर 10 में भी मौजूद है। बस मालिक मकान कहीं एकदम से किराया ना बढ़ा दे, मेरी सैलरी ने तो वैसे भी इतनी जल्दी नहीं बढ़ना। आप मुआहिदे को गौर से पढ़िए, उसमें ये बातें साफ लिखी होंगी कि तुम्हारे मुआहिदे की मुद्दत क्या है और उस मुद्दत तक किराया नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर आपको मुद्दत खत्म होने के बाद अपना मुआहिदा रीन्यू करवाना है तो मालिक मकान आपका किराया सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 की शिक नंबर 9 के मुताबिक 10% से ज्यादा बढ़ा भी नहीं सकेगा, और वो आपको बिला वजह मुआहिदा खत्म होने से पहले ये घर खाली करने के लिए भी नहीं कह सकते।
अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो जाए तो फिर कानून किराएदार की कैसे मदद कर सकता है? किराएदार से किए जाने वाले मुहाइदे सिन रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 के तहत होते हैं। शिक नंबर 13 और 15.2 के तहत मालिक मकान आपको सिर्फ 3 सूरतों में घर खाली करवा सकते हैं। नंबर 1, अगर किराए पर दी गई जगह उसे अपने जाती इस्तेमाल के लिए चाहिए हो, या नंबर 2, आप अपना किराया ना अदा कर रहे हो, नंबर 3, मालिक के मकान इस जगह को बेचना चाह रहा हो। तीसरी सूरत में आपको ये भी हक मिलता है कि आप इस प्रॉपर्टी को खरीद सकें, अगर आप चाहते हैं। लेकिन अगर मैं वो मकान नहीं खरीद सकती, फिर? उस सूरत में, बल्कि हर सूरत में, मालिक मकान पे लाजिम है कि वो आपको नोटिस पीरियड की मोहलत दे। इस दौरान किराएदार को हरासा नहीं किया जा सकता। तुम्हारी सहूलियात को, मसलन बिजली, गैस और पानी, बंद नहीं किया जा सकता। ये इस कानून की शिक नंबर 11 की खिलाफ वर्जी होगी, जिसके तहत तुम कंट्रोलर के पास शिकायत दर्ज करवा सकती हो, और कंट्रोलर तहकीक के बाद ना सिर्फ उन सहूलियात को बहाल करेगा, बल्कि ऐसा ना करने की सूरत में मालिक मकान पर जुर्माना भी आयद हो सकता है। तो मेरे पास वक्त तो होगा ना, जिसमें मैं नई जगह तलाश कर सकूं? बिल्कुल अनम, आप अपने नोटिस की मुद्दत के दौरान नई जगह तलाश कर सकती हैं। अगर तुम्हारे मुहाइदे में 1 महीना नोटिस की मुद्दत दर्ज है, या 2 या 3 महीने का, कुछ भी हो, आपका मालिक मकान इससे पहले आपको इस जगह से नहीं निकाल सकता। इसके अलावा मुझे और किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा? इस कानून में मालिक मकान के भी हकूक हैं। मसलन शिक नंबर 15 में दर्ज है कि मकान मालिक की इजाज़त के बगैर घर किसी और को किराए पर देना, या किसी मुख्तलिफ काम के लिए इस्तेमाल करना जो मुहाइदे में मौजूद न हो, जैसे कि रिहायशी मकान को कमर्शियल या तिजारती तौर पर इस्तेमाल करना, इमारत को नुकसान पहुंचाना, या मालिक मकान की इजाज़त के बगैर तामीर नौ के लिए इकदाम करना, किराएदार के लिए गैर कानूनी काम है। और ऐसे ही किराएदार के भी कुछ हुकूक हैं, जो कि मालिक मकान की जिम्मेदारियां हैं। मसलन शिक नंबर 12 के तहत मुरम्मत के जरूरी काम करवाना, पानी, बिजली वगैरह की सप्लाई यकीनी बनाना। अगर आप ये काम खुद करवा लेती हैं, तो आप ऐसी सूरत में उस मरम्मत की रकम किराए में से काट कर मालिक मकान को किराया देंगे। इसी शिक में शामिल और बातें ये भी हैं कि इन शरायत और जवाबित पे अमल करवाने के लिए मकामी थाने में अनम और उनकी रेंटेड प्रॉपर्टी की मालूमात दर्ज होना जरूरी है, जिसमें आपकी और आपके मालिक मकान के शनाख्ती कार्ड की कॉपी शामिल हो, ताकि किसी ऊंच नीच की सूरत में आप कानून से मदद ले सकें। ठीक हो गया, जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा मैं वो मुआहिदा अपने और अपने मालिक मकान की आईडी कार्ड की कॉपी समेत मकामी थाने में जमा करवा दूंगी। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शिक नंबर 5.2 के मुताबिक इस अग्रीमेंट की थाने में रजिस्ट्रेशन जरूरी है, और ये मालिक मकान या उसके स्टेट एजेंट की जिम्मेदारी होती है। हाँ, एक और बात, मुहाइदे की बातें निगोशिएबल यानी काबिले तरमीम होती हैं, जो कि आप दस्तखत करने से पहले मालिक मकान से मजाकरात करके तय कर सकती हैं। बस ये याद रखें कि अगर कभी भी आपको लगे कि आपका मालिक मकान किसी भी किस्म की नाइंसाफी कर रहा है, तो रेंट कंट्रोलर के सामने अपनी दरख्वास्त पेश करें। आपके रेंट कंट्रोलर ने शिक नंबर 4 के मुताबिक या तो माजी में सिविल जज की जिम्मेदारी निभाई होगी, या हाल में अदा कर रहे होंगे, लिहाजा उसे इस मसले को हल करने का कानूनी इख्तियार होगा। उसकी जिम्मेदारी है कि वो किसी के साथ कोई हक तलफी ना होने दे, चाहे वो किराएदार हो या मालिक मकान। शिक नंबर 8 के तहत ये कंट्रोलर ही इस बात को यकीनी बनाता है कि किराया कानूनन मुनासिब रकम का हो। मेरा मशवरा है कि मुआहिदा होते ही आप इस बात को यकीनी बनाएं कि सारे जरूरी दस्तावेजात आपके मालिक मकान की तरफ से थाने में जमा हो जाएं, और आपके पास इसकी रसीद भी मौजूद हो, जो कि पुलिस स्टेशन से मिलेगी। आपने ये रसीद अपने पास संभाल के रखनी है। सही, समझ गई। अरसलाना, इनको ये भी बता दें कि अगर कोई मालिक मकान कोई झूठी एप्लीकेशन सबमिट करवा दे किराएदार को घर से निकालने के लिए, तो फिर क्या करना चाहिए? उस सूरत में रेंट कंट्रोलर से रुजू करना जरूरी है। सिंध रेंटेड प्रीमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 की शिक नंबर 17 के मुताबिक रेंट कंट्रोलर इस बात की तहकीक करेंगे कि आया ये एप्लीकेशन सच्ची है या झूठी, और अगर ये दरख्वास्त झूठी निकली
तो रेंट कंट्रोलर मालिक मकान पर जुर्माना भी आयत कर सकता है। समझ गई। अच्छा एक और सवाल, अगर किसी मसले की सूरत में रेंट कंट्रोलर का फैसला गलत हो तो? ऐसी सूरत में आप शिक नंबर 21 के तहत रेंट कंट्रोलर के फैसले के 30 दिन के अंदर अंदर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोलर के पास कंप्लेन जमा करवा सकती हैं। ये हक आपके मालिक मकान को भी हासिल है। और कोई सवाल? नहीं, फिलहाल इतने ही सवाल हैं। बाकी मैं सिंध रेंटेड प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस एक दफा बगौर पढ़ लूंगी। सच पूछिए तो इस सारी मालूमात के बाद मुझे काफी इत्मीनान महसूस हो रहा है। ऐसी काम की बातें तो सब औरतों को पता होनी चाहिए। सही कहा तुमने, अपने हुकूक जानकर ही हम उनका तहफ्फुज कर सकते हैं। चलो अब चाय पीने चलते हैं, फिर कुछ प्रॉपर्टीज देखने चलते हैं। और एक काम और करें, सिन लीगल एडवाइजरी कॉल सेंटर का नंबर भी नोट कर लें, 0800 7080806।